जहां पर पीएम और सीएम की मंशा पर नगर निगम का पलीता दिख रहा है। स्वच्छ भारत मिशन और नारी सम्मान के नाम पर भ्रष्टाचार का काला खेल यहां पर है। 45 लाख की लागत से शहर में 30 पिंक टॉयलेट बने। हर महीने 2.5 लाख की नगर निगम से सैलरी जा रही थी, लेकिन न पानी है न सफाई है और कुछ है यहां पर तो सिर्फ टॉयलेट पर लटके हुए ताले हैं। नगर आयुक्त ने कंपनी का करार खत्म कर दिया। अब नई कंपनी के करार पर व्यवस्थित होंगे पिंक टॉयलेट, लेकिन सवाल वही है कि आखिर अब तक नगर निगम अमला कहां लापरवाही की नींद सो रहा था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, न सफाई है न यहां पर उचित व्यवस्था है। कई सारे टॉयलेट्स ऐसे हैं जिन पर ताला लटका हुआ है। महिला सम्मान और स्वच्छता के नाम पर किस तरह से काला खेल चल रहा है, ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। संजय, इतनी बड़ी लापरवाही, ताले लटके हुए हैं, इस पर नगर निगम अब तक कहां लापरवाही की नहीं सो रहा था? इस प्रकार से लगातार इस प्रकार के मामले सामने आते हैं आगरा नगर निगम के। कोई भी काम हो या कोई भी ठेका हो, उसमें कहीं ना कहीं अनियमितता है, लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। ये देख सकते हैं जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो स्वच्छता अभियान है उसको लेकर महिलाओं को सम्मान के लिए पिंक टॉयलेट बनवाए गए, लेकिन वो ताले लटके हुए हैं। कोई भी ध्यान इस ओर नहीं देता नगर निगम। जिस प्रकार की चीज सामने आती है, कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार का यह पूरा मामला है। संजय, नगर निगम के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पर, इस लापरवाही पर, इस भ्रष्टाचार पर? नगर निगम के अधिकारी जो नगर आयुक्त हैं, उनका कहना है कि जिस प्रकार से जो कंपनी थी उसको हटा दिया गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया, दूसरी कंपनी है उसको पूरा इसका ठेका दिया जा रहा है जो कि इसकी देखरेख करेगी और उसको व्यवस्थित करेगी। इसके अलावा संजय, हर महीने अगर 2.5 लाख का भुगतान हो रहा था तो उस रकम की वसूली क्या की जाएगी या फिर इस मामले को यहीं क्लोज कर दिया जाएगा? कहीं ना कहीं जांच के हवाले से सारी चीजें तय हो जाती है। जिस प्रकार से जांच तय की जाती है कि नगर निगम में एक जांच बिठा दी जाती है, लेकिन जांच के बाद कुछ नहीं उसमें निकल पाता, क्योंकि जिस प्रकार से जो घोटाले चल रहे हैं उसको लेकर जांच कमेटी बिठाई जाती है, उसके बाद लेकिन कार्रवाई बिल्कुल हो जाती है। बिल्कुल, चलिए संजय, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो जांच का हवाला देकर कंपनी का करार खत्म जरूर कर दिया गया, लेकिन जो 2.5 लाख रुपए हर महीने जा रहे थे वो रकम कहां से आएगी? आम जनता के टैक्स का पैसा जो नगर निगम इन कंपनियों को दे रहा था, उस रकम की वसूली कैसे होगी, ये नगर निगम के सामने एक प्रत्यक्ष सवाल है और इसका जवाब आम जनता के जहन में भी ये सवाल पनप रहा कि आखिर वो पैसा कहां से वापस आएगा। करार खत्म कर दिया गया है, लेकिन जो भ्रष्टाचार का काला खेल चल रहा था उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, वो रकम कहां से वसूली जाएगी, ऐसे तमाम सवाल हैं। तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं, कई सारे ऐसे टॉयलेट्स हैं जहां पर ताला लटका हुआ है, कुछ टॉयलेट्स में ताला नहीं है तो वहां पर कोई इंतजाम नहीं है। टैप से लेकर सारी चीजें टूटी फूटी दिख रही हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा स्वच्छ भारत की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नारी सम्मान के लिए कोशिश कर रहे हैं।